अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त आसिम अंसारी और आप देख रहे हैं फाईटेक चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जेज़ का एक और वीपीएन लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, इसकी सेटिंग बहुत ही आसान है और ये बहुत ही अच्छा वर्किंग कर रहा है। तो सबसे पहले इसके सर्वर लोड करवाने होंगे तो आपने कोई भी वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है या फिर आपने जेज़ वर्ड या माईजोंग ऐप से कुछ एमबी ले लेने हैं सर्वर लोड करवाने के लिए। तो मैं अपना एक वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है तो मैं इसके सर्वर लोड करवा लेता हूँ। अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। इसको कर देता हूँ तो ये हमारे सर्वर लोड हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं अपना वीपीएन को बंद कर देता हूँ और आपको इंटरनेट ऑन करके दिखा देता हूँ कि मेरा पैकेज है या नहीं है। यूट्यूब ओपन करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास पैकेज नहीं है। तो मैं चलता हूँ वीपीएन में, ओके पर क्लिक करते हैं तो ये पहली वाली ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो आपने सर्वर लगाना है सिंगापुर 3 या जो भी आपके पास काम करे। तो नीचे वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने देख लेना है पाक जेज़ फ्री 1 और पाक जेज़ फ्री 2, इन दोनों में से जो भी आपके पास काम करे तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने पाक जेज़ फ्री 2 पर क्लिक किया था तो मेरे पास ये काम कर रहा था। ये बस सेटिंग है इसकी, तो आपने जस्ट स्टार्ट पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग बहुत ही आसान है। तो इसकी स्पीड थोड़ी सी ये कम दे रहा है लेकिन ये डिस्कनेक्ट का इसमें बिल्कुल भी मसला नहीं आ रहा, ये डिस्कनेक्ट नहीं होता, बहुत कम होता है। तो ये हमारा वीपीएन हो चुका है कनेक्ट। तो अब मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जो दोस्त कह रहे थे कि हमारे पास मसला आता है डिस्कनेक्ट का, या जिन दोस्तों को सेटिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का वीपीएन है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।